क्या हिंदू को सिखाया गया हमें? जिनको जिनको जो जन्म पे आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? आप मंत्री थे, अढ़ाई वर्ष आप भी साथ में थे, बोलने का अधिकार बैठा है। आज भी हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार है वो संविधान भाई सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, कह दिया ये सभी लोग अपात्र होंगे। मुख्यमंत्री से लेकर सभी का नाम लिया, ये सभी अपात्र होने वाले हैं। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, और ऐसे विषय पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं, हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा महाराष्ट्र की बात, मैं भी करूंगा भी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। पैदाई हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर हिम्मत होती, जी जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, जो हुआ हादसा, जो हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी वो क्या हिंदुत्व सिखाया गया हमें? जिनको जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। ये विचारधारा उनकी, विचारधार कुछ नहीं सर। आज मैं बताऊंगा सदन में सच्चाई क्या है। झूठे लोग सच बताने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर मैं आऊंगा और भी। झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई बता छुपाने की बात करते। अब रही बात जो हुआ वह हादसा, सर महाराष्ट्र की बात आई, आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव क्यों, मैं बताता हूं अविश्वास प्रस्ताव क्यों। जिस तरह से आपने बर्ताव किया है वो मणिपुर के बारे में हो, हिंदुत्व के बारे में हो, और अन्य आपकी राजनीतिक सामाजिक नीति जो रही, मैं आपको बता देता हूं। आज की सरकार ने जो कहते हैं ना, हमने किया हिंदुत्व के लिए, इनको छोड़ दिया। अरे जिनको छोड़ा वो तुम्हारे पास आए वापस। जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेशनल एनसीपी पार्टी क्या है, नेचुरल करप्ट पार्टी, उन्होंने भरी सभा में भरी रैली में कहा, तीन दिन बीते, उस रैली में आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ। चार दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए। सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर, उपमंत्री बने। मंत्री बने मतलब क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो आप? ईडी के केसेस लेकर सबको डरा के लेके गए, भगोड़े लोग बोलेंगे राष्ट्रीयत्व की बात? और ये वॉशिंग मशीन जो चल रहे हैं ना सर, ये क्या बोलेंगे? उस वक्त तो उनका नाम लेके गए थे, अभी उनके साथ में बैठे। आज विषय गंभीर किस बात का है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छुप कर बैठे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमाचा लगाने की बात। अब आगे चलकर पिछले चार दिन में क्या क्या हुआ? पिछले चार दिन में जैसे हमारे बारे में हुआ, आज भी हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार है वो संविधान भाई सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, कह दिया ये सभी लोग अपात्र होंगे। मुख्यमंत्री से लेकर सभी का नाम लिया, ये सभी अपात्र होने वाले हैं। फिर भी मैं तो सुप्रीम कोर्ट का दायर, बोलो सुप्रीम कोर्ट से कि मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने दायर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सदस्य पे कार्रवाई करने का निर्णय दिया। अब क्या बात करेंगे? अब यही बात कहता हूँ आगे चलकर सभापति चेयरमैन सर, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कर दिया मणिपुर में। कल क्या निर्णय दिया पता है आपको? अगर सरकार होती ना तो शर्म आती सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने SIT बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने DIG पद बिठाए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाईकोर्ट जजेस पीछे वाले उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार दिया, सुनवाई करने का अधिकार दिया, जांच करने का अधिकार दिया, पुलिस के ऊपर कार्रवाई की। सरकार कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। मणिपुर की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। ये तो आपकी सरकार पर तमाचा है। फिर भी नहीं शर्म आती आपको? फिर भी आपको बुरी नहीं लगता? फिर भी बुरा नहीं लगता? पूरी भी बुरा नहीं लगता? अब बात हुई ना, उन्होंने जब बोला मैं एक शब्द भी उठक के बोला नहीं है, क्यों लग रहा है ये मिर्ची, समझ लो क्यों लग रहे। अब कोविड की बात आई सर, कोविड के समय में भी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो काम किया उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, माननीय नीति आयोग के लोगों ने की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की। और कहा ये जो उद्धव ठाकरे जी ने जो पैटर्न लगाया है धारावी पैटर्न, उसका अमल करो पूरे देश में। इतनी सराहना करने के बाद झूठे इल्जाम लगा, तभी तो तुम भी तो सरकार में थे। जो इल्जाम लगा रहे वो भी तो सरकार में थे। कौन से अधिकार से बोलते हो? आप लोग सरकार में शरीक थे, आप मंत्री थे, अढ़ाई वर्ष आप भी साथ में थे, बोलने का अधिकार बैठा है। इसलिए मैं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे लगता हूँ। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, सत्यपाल मलिक जी
फाड़ रहे पूरी, उन्होंने पुलवामा के क्या बारे में क्या बोला, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला, और दो तीन मुद्दे और भी। महाराष्ट्र को कितना आपने हैरान किया, क्यों हम विश्वास रखे? महाराष्ट्र का फाइनेंशियल सेंटर आप गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का वेदांत फॉक्सवान गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का एयरबस गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का ड्रग पार्क गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का डायमंड सेंटर गुजरात में लिखी गई। महाराष्ट्र के बंदरगाह का विकास 9 वर्ष में महाराष्ट्र का बंदरगाह का विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मिल वर्करों के बारे में जमीन पर कुछ करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट कुछ नहीं किया, उल्टा जब हमारे पास निसर्ग तौक्ते का चक्रवात आया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात में भी आया था, गुजरात में घूमे, उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं आया, पीछे गया वहां से, महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना सारा इल्जाम लगाए। इसके बाद में हम बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ तो 10-25 हज़ार, हमारे पास 70% पैसा बुलेट ट्रेन के लिए, सबके गुजरात के सारा इस्तेमाल होना है। शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं, इसलिए अरविंद अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा सुनो जी, माननीय मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया, और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की, उसका शिवसेना का इनका गट का उद्धव जी गट का गट ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर? अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं, ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूं, साथ में 1900। अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्लीज, प्लीज नो, माननीय मंत्री जी प्लीज, ना उनका बैठे को प्लीज, डोंट बी पर्सनल प्लीज, बोला जी ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज सर। अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना, अरे छोड़ माननीय मंत्री जी, इधर इधर एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली, मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी, थैंक यू सब, अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है, खाली अभी जो आवारा है आ रहे ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी, अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की जी जी। अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहां तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताए ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा, क्या असलियत इधर इधर असलियत में निकालूंगा।